यहाँ पर हमने जंगली मुर्गियां देख ली। चील देखो कहां पर उड़ रही है। अगर यहां पर ये लोग विंटर में रहते होंगे, विंटर में वैसे रहते नहीं है, दे जस्ट मूव डाउन। वो चपेड़ा दिख रहा है। आह, तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। काफ़ी वक्त के बाद आज हम और निकले हैं अपनी आवर फेवरेट थिंग, दैट इज़ द ट्रैकिंग। तो हम इस वक्त हैं लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेरा घर मेरा गांव। सो वी आर ऑफ टू ए वेरी गुड स्टार्ट, और हम जा रहे हैं आज एक नई जगह, नाम आपको बोलता जाऊंगा आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। तो अभी आप थोड़ा ये व्यूज़ इन्जॉय कीजिए। दिस पर्टिकुलर मोहल्ला इज़ कॉल्ड वठेड़ी एंड इट इज़ अलॉन्ग विद अदर विलेज नोन एज लच्छीपुरा, राइट कलेक्टिवली। ये जो जगह है इसको बोलते हैं परीन। इस जगह के बारे में मशहूर है कि इस पहाड़ के नीचे काफ़ी सारा सोना दफन है। कहा जाता है कि एक बूढ़ी अम्मा की कुछ बकरियां थीं, तो चरते चरते एक बकरी का बच्चा एक दिन खो गया। जब वो बूढ़ी अम्मा उस बकरी के बच्चे को ढूंढने लगी तो ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, यहाँ तक कि वो एक जगह पहुंची जहाँ पर उसको पत्थरों के बीच में से एक बड़ा सुराख दिखा। उस सुराख में से जब झांक के देखा तो अंदर एक कमरे की मानिंद बड़ी जगह थी। तो बूढ़ी अम्मा ने उस सुराख में एक बड़ी लकड़ी घुसाई कि शायद वो बकरी का बच्चा यहीं कहीं अंदर छुपा हो। लकड़ी को घुसाते ही अंदर से जैसे बर्तन के ऊपर से ढक्कन गिरने की आवाज़ आई। जब दोबारा देखा तो सोने से भरा पड़ा एक बड़ा सा बर्तन था। दिस इज़ ए फोकलोर, और इसमें सच की कितनी गुंजाइश है ये मुझे भी नहीं पता। मैं बचपन से ये कहानी सुनता आ रहा हूँ, सोचा आज आपको भी सुना दूँ। सो इश्तियाक साहब आज हमारे गाइड हैं, ये 90 में कहीं यहाँ आए हैं, लेकिन आज हमने इनको खींच के लाया। हमें खुद रास्ता पता नहीं है, लेकिन जंगल में एक बात है, आप चढ़ गए एक बार तो रास्ता खुद ही खुद चढ़ता रहता है, निकलता रहता है। जगह का नाम है डन। गांव के लोगों ने इस जगह का यही नाम रखा है। कशिर पोइट्स वाना डन असखासु। डन के दामन में बसा है लच्छीपुरा ए का खूबसूरत गांव। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये है जामिया मस्जिद लच्छीपुरा ए। अभी रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर आप में से कोई भी डोनेट करना चाहता हो तो ज़रूर करें। आप अल्लाह का घर बनाने में ताउन करेंगे तो अल्लाह उसका अजर आपको ज़रूर अता करेगा। डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, देयर इज फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर। बहुत चढ़ना है, हार्ड ट्रैक है। चढ़ाई लग गई नीचे से। आज कम से कम यहाँ 2012 में आया था जब मैं एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा था। मोहल्ला रावतपुरा से डन तक 2 से 2.5 घंटे का सफर है। दौरान सफर आप घने भरे जंगल से गुजर कर डन पहुँचते हैं। इस जंगल में तेंदुआ, जंगली सुअर और भी कई तरह के जंगली जानवर हैं, तो संभल कर और अलर्ट रहकर जाना पड़ता है। डन जाने के 2 रास्ते हैं, एक सीधा जंगल से होकर जाता है जो कि कम फासले वाला है, और एक जो हमने आज लिया। ये रास्ता आपको लच्छीपुरा, बिजहामा और ब्राड़ीपुरा के मनाजिर दिखाते हुए डन ले जाता है, और आखिर पर जब आप समिट करते हैं तो माइयाँ भी आपकी हद निगाह में आ जाता है। हालांकि ये रास्ता तवील तो ज़रूर है मगर पुरलुत्फ भी है। दिस प्लेस इज लव मैन, दिस प्लेस इज लव, क्योंकि नई जगह है, मैं पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ तक अभी मैंने देखा इसको, दिस इज लव। तो ये जो पीछे देख रहे हैं आप मुझे, यहाँ पर नीचे की तरफ एक गॉज टाइप है, तो एच वन हापुतनाड़ या जाए हापुतनाड़, यहाँ पर बहुत सारे हापुत होते हैं। हापुत इफ यू डोंट नो, बियर इज हापुत, हापुत इज बियर, आई एम ह्यूमन होमो सेपियन। सो गाइस लेट मी टेल यू, हमने अभी यहाँ पर अश्वान को अगर उफ मिट, सो इफ यू डोंट नो, यहाँ पर हमने जंगली मुर्गियाँ देख ली, तो हम अभी आराम आराम से जा रहे हैं इधर की तरफ।
दे आर जस्ट हियर अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वो कहीं चली गई हैं, मुझे लगता है वो यहीं से ऊपर आई थी। अभी हम देखते हैं, अगर मिला तो आपके साथ भी शेयर करेंगे कैसी होती है। मैंने तो बहुत बार देखी है। दे आर जस्ट अंडर दिस बुश। हम वहाँ पर, हम एग्जैक्टली वहाँ पर थे और ये लोग यहाँ पर थे इस बुश, और पता नहीं ऊपर चले गए होंगे आई थिंक, शायद आराम से चला, आराम से शोर के बगैर, तभी हमें दिखेंगे। ये जंगली मुर्गे मुर्गियाँ काफ़ी फुर्तीले होते हैं, हमारी आहट सुनते ही वो आँखों से ओझल हो गए। मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ गई, इस वाले जो इस बड़ा झाड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैमरा में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ ये पूरा नीचे तक फैला हुआ है, तो इसी में चली गई हूँ। देर आर मैनी स्पीशीज ऑफ फेजेंट्स एंड द वंस दैट वी सॉ वेयर कलिज फेजेंट्स। कलिज फेजेंट्स को ही कश्मीरी में वन कोकुर कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिजम्बलेंस रखते हैं जो कश्मीरी मुर्गे की ब्रीड होती है उनके साथ। मेरे पास पुरानी फुटेज पड़ी है, आप ये देख लें, इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कैसे होते हैं ये। एंड यस, दिस इज़ नॉट ए मेड अप सीन। हमने एक्चुअल में देखा था उस दिन इन जंगली मुर्गों को, मगर हुआ ये कि जब तक हम अपने कैमरा से इनको कैप्चर करते तब तक ये हमसे दूर चले गए थे और जाड़ों में छुप गए थे। मेरी हालत क्या हो गई है, आज हमारा गाइड फेल हो चुका है यहाँ पर, इसको कुछ पता नहीं है रास्ते वास्ते का, तो यही होता है ज़िंदगी में जब आपके रहबर ही गलत लग जाए ना, तो आपके साथ यही होता है। अभी हमें खुद समझ नहीं आ रहा है लेकिन वी विल फिगर इट आउट। हालत ख़राब हो गई कांटों में लग लग के। हम कहाँ से जा रहे हैं, तो गाइड साहब ने हमें बिल्कुल जहन्नम में पहुँचा दिया है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर हमने ऊपर से लिया होता वहाँ से तो हमने एलिवेशन गेन कर ली होती थोड़ी सी, यहाँ से हम डाउन हो गए। मैं इनको नहीं मान रहा था लेकिन अब क्या करें, हमारा मत मानेगा कोई क्योंकि गाइड ही आज दूसरा है। तो यहाँ पे ये सारे जो है ये लोगों की ज़मीन है, यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पर अखरोट के बहुत सारे दरख्त हैं। वन कॉकर के पंख हैं हमें दिखे, लगता है किसी शिकारी ने इस पे झपट्टा मारा है। बिहाइंड मी समवेयर इफ यू कैन सी एग्जैक्टली देयर देयर इज़ अ हाउस, हाउस टाइप शेड, लग तो फुल फ्लेज मकान लग रहा है। वी आर एट आवर डेस्टिनेशन एंड ओह माय गॉड, यहाँ पर कुछ पड़ा है मकान के साथ ही, किसी जानवर ने खाया है। पहले तो इसकी कोट देखकर लगता है हिरन का बच्चा है लेकिन ये गाय का बछड़ा भी हो सकता है, वी डोंट नो। इट इज स्टिंकिंग अ बिट, डिकम्पोज होने लगी है लाश इसकी। तो शायद भाई कैसा मजा आया, बहुत मजा आया। पहले मकान से थोड़ा ही चढ़कर यहाँ पर दूसरा मकान आ रहा है और यहाँ पर पानी भी है और कपड़े वपड़े कुछ, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। वाह वाह, यहाँ पर मुर्गों के रखने की जगह भी है और यहाँ से सारा कुछ, कितना ब्यूटीफुल। ओह यहाँ पर अभी भी बर्फ है, ये नई पड़ी होगी कि पुरानी है, नई पड़ी है शायद, नई पड़ी है मुझे लगता है। ये वाला सेक्शन इनका किचन है और वहाँ से लिविंग रूम, और ऊपर भी इसको थोड़ा सा इनने काम वाम किया है कुछ। क्या मज़ा आता होगा यार यहाँ पर रहने को, वाह। अभी भी आप देख सकते हैं कोलार्ड ग्रीन्स, जिसको हम क्रम बोलते हैं कश्मीरी में, या मुंजहाक, वो वहाँ पर है। सो दिस इज़ द स्टेपल ऑफ कश्मीर, दिस ग्रीन लीफी वेजिटेबल। दिस इज़ अनदर वन, यू कैन लिटरली सी यहाँ से। अगर यहाँ पर ये लोग विंटर में रहते होंगे, विंटर में वैसे रहते नहीं है, दे जस्ट मूव डाउन, बट विंटर में यहाँ पर मज़ा क्या आ रहा होगा। छोटा सा आंगन वहाँ आगे, यहाँ से इनके खेत खलियान, यहाँ पर इन्होंने ये विलो सोक करके रखी है, तो इसका मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है। तो ये जो विलो ट्री होता है ये रिप्रोड्यूस करता है बाय द मीन्स ऑफ प्रोपेगेशन, मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब ऑफ सीजन होता है तो बड़ी बड़ी जो वुडी ब्रांच होती हैं विलो ट्रीज़ की, उनको काट करके पानी में भिगोने के लिए रख दिया जाता है, और कुछ ही टाइम बाद यही ब्रांच एक नया रूट सिस्टम डेवलप करने लगते हैं। उसके बाद जब सीज़न आता है तो इन्हीं ब्रांच को सॉइल में प्लांट कर दिया जाता है,
और एक नया विलो ट्री इसी से ग्रो करता है। बहुत सारे पैरों के निशान है, घोड़ा है और छोटे छोटे निशान हैं। क्या पता यहाँ जंगली बकरियाँ भी हो सकती हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये जगह तो उनके लिए मुनासिब लग रही है। यहाँ डन में लोगों की पुश्तैनी ज़मीनें हैं। कुछ ही सालों पहले की बात है कि यहाँ से बोरियाँ भर भर कर अनाज जाता था गाँव की तरफ। हाँ, मगर अब बेशतर ज़मीनें वीरान बंजर बन चुकी हैं, जिनमें कांटू के सिवा कुछ नहीं। अकल को इसकी वजह समझ नहीं आती, मगर जो मेहनत करने वाले लोग थे वो अब बूढ़े हो चुके हैं। नई जनरेशन इतनी मेहनत कहाँ करती है। हाँ, मगर अगर उन बूढ़ी टांगों में ज़रा भी ताकत होती तो ये सारी ज़मीनें आज भी जरखेज होती। खैर, यहाँ पे काफ़ी पुराने हट्स हैं जो कि टूट चुके हैं, मगर साथ साथ तीन मकान भी हैं जो रहने सहने के लायक काफ़ी से भी ज़्यादा हैं। इस जैसी जगह अगर आपके पास एक मिट्टी का झोंपड़ा भी हो तो उससे बेहतर क्या ही हो सकता है। यकीन करें, मैं यहाँ पहली दफ़ा आ रहा हूँ, मगर सुकून पजीर जगह है। यहाँ ऊपर से जो दामन में बसे गांव और पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के मनाजर आपको देखने को मिलते हैं, वो शायद ही कहीं और हों। हम आए वहाँ से थे, उस साइड से थे, हमने टॉप कर लिया गेन एलिवेशन और बाद हम और अप डाउन आ रहे हैं दूसरे साइड से। ओ, ओ, खेव गुजा, गुजा खाओ अब। डायनासोर का इधर बेहतरीन, इससे बढ़िया लोकेशन। खुदा बसा खुला हुआ, गुजा खाओ। वाह, एक काम करो, हां नाओ मस्त नाओ, एक बेटा चिकन निकालो पहले। चिकन को रहने दे, सब खाओ ऐसे ही।